हेलो बच्चों, आज हमारी कहानी का टॉपिक है सोनी की धूर्तता। तो अमरकंटक वन में पीपल का एक बड़ा पुराना पेड़ था। उस पर कनु नाम का एक बंदर रहा करता था। कनु बड़े ही अच्छे स्वभाव का था, सबसे मीठी वाणी बोलता था, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था, दूसरों की सहायता किया करता था। इसीलिए उस पेड़ पर रहने वाले सभी प्राणी कनु को बहुत प्यार करते थे। जंगल में कनु के बहुत सारे दोस्त बन गए थे। एक बार कनु की मित्रता एक खरगोश से हो गई। हुआ यह कि भानु नाम का एक खरगोश भेड़िए की चंगुल में फंस गया। वह सहायता के लिए पुकार रहा था, तभी कनु वहां आ पहुंचा। अपनी बुद्धिमानी से कनु ने भानु को छुड़वा लिया। तभी से भानु कनु बंदर का पक्का दोस्त बन गया। भानु खरगोश को कनु बंदर के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। वह सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आ जाता और कनु को पुकारने लगता। फिर दोनों घूमने निकल पड़ते। सुबह सुबह ठंडी हवा में वे टहलते और अपना स्वास्थ्य बनाते। रास्ते में कनु कभी किसी बूढ़े जानवर की सहायता करता तो कभी किसी असहाय पक्षी की सेवा करता। भास्कर नाम का एक बूढ़ा हाथी जंगल में रहता था। वह बड़ा ही दुर्बल था, अपना कुछ भी काम नहीं कर पाता था। कनु प्रतिदिन उसके लिए खाना जुटा कर रखाता था। इस प्रकार कनु बंदर का सुबह का सारा समय दीन दुखी जानवरों की सेवा करने में ही व्यतीत होता था। इसके बाद दोनों मित्रों को भूख लगाती थी। कनु कभी किसी जामुन के पेड़ पर चढ़ जाता तो कभी अमरूद के। वह खूब सारे फल तोड़ता। कनु बंदर और भानु खरगोश दोनों मिलकर उन्हें खाते, फिर टहलते हुए वापस घर आ जाते। पीपल के उसी पेड़ पर एक सोनी नाम की गिलहरी भी रहा करती थी। वह कनु और भानु की मित्रता देखकर बड़ी चिढ़ती थी। खुद तो उसकी किसी से बनती नहीं थी, उसका कोई भी मित्र नहीं था। इसका कारण सोनी का स्वभाव था। वह जरा सी बात में गुस्सा हो जाती थी, चाहे जब किसी की उल्टी सीधी बातें सुनाती रहती थी। इसीलिए सभी उससे बचते थे। सोनी गिलहरी फूट डलवाने में भी बड़ी चतुर थी। वह इस प्रकार बातें करती कि सुनने वाला पूरी तरह उसकी बातों में आ जाता था। सोनी ने कनु बंदर को भी खरगोश के विरुद्ध बहुत भड़काया। वह बोली, कनु तुम्हें पता नहीं है वो भानु खरगोश कितना चालाक है, ये तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है। कनु बोला, दीदी मुझे भानु पर पूरा विश्वास है, उसे मेरा जो भी व्यवहार बुरा लगेगा उसके बारे में वो मुझसे खुद कहेगा, वह कभी मेरे पीछे बुराई नहीं करेगा मेरी। इस प्रकार प्रतिदिन ही सोनी कनु बंदर को भानु खरगोश के विरुद्ध भड़काती। परंतु कनु समझदार था, उसकी बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। जब कनु पर कोई वश न चला तो सोनी गिलहरी ने चुपके चुपके भानु खरगोश के कान भरने शुरू कर दिए। वह कहने लगी, देख लेना कनु के चक्कर में तुम किसी दिन अपने प्राण कमा बैठोगे। कनु की दोस्ती नंदू भेड़िए से है, वह किसी भी दिन तुम्हें उसके हवाले जरूर कर देगा, इसीलिए वो तुम्हें पाल रहा है। सोनी की बातें धीरे धीरे भानु के मन पर असर करती गईं। उसके मन में कनु बंदर के लिए मित्रता जैसा कोई भाव ही न रह गया। दोनों साथ साथ घूमने तो जाते, पर भानु खरगोश पहले की भांति प्रसन्न मन से बातें न करता। कनु समझ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। हो न हो सोनी गिलहरी ने ही भानु के कान भरे। वह भानु से बोला, मित्र मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में पहले जैसा स्नेह मेरे लिए नहीं रहा। मन में स्नेह न रहने पर मित्रता कैसी? फिर अच्छा हो कि हम अपनी मित्रता को समाप्त कर दें। यह सुनकर भानु एकदम सकपका गया, फिर गुस्से में भरकर कहने लगा, मित्र कभी अपने मित्र का बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने तेरी क्या बात बुरी सोची है? कनु ने पूछा। तुम मुझे नंदू भेड़ियों को खिलाने की बात सोचते हो, भानु ने कहा। कनु पूछने लगा, यह तुमसे किसने कहा है? मैं तो मित्र के साथ धोखा करने की बात सोच भी नहीं सकता। सोनी गिलहरी ने मुझे यह बात बताई है, भानु बोला। कनु कहने लगा, दोस्त तुम्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए। कुछ प्राणी ऐसे ही होते हैं जो दूसरों को सुखी नहीं देख सकते। वह बिना किसी कारण के उनकी बुराई करते हैं, उनमें फूट डलवाते हैं, उनमें लड़ाई करवाते हैं। ऐसे नीचता के कार्य उन्हें सुख मिलता है, उनकी बातों में आकर हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। तो क्या सोनी गिलहरी झूठ कह रही है?
भानु पूछने लगा। कनु ने उसे बताया कि सोनी गिलहरी ने उसे भी भानु के विरुद्ध भड़काया था, पर उसने सोनी की बातों को कोई महत्व नहीं दिया। वह सोनी के स्वभाव से परिचित था, सोनी का तो काम ही यही है। भानु की समझ में सोनी की चालाकी आ रही थी। वह कहने लगा, तुम ठीक कहते हो, दूसरों की बातों में आकर मित्र पर विश्वास करना ठीक नहीं है। एक ही बार सोच समझ कर मित्र बनाना चाहिए, फिर मित्रता का हमेशा निर्वाह करना चाहिए। मित्रता की आड़ में धोखे की बात तो नीच और दुष्ट सोचा करते हैं। तुम्हें मुझे भेड़िए को खिलाना होता तो फिर तुम पहले ही क्यों बचाते। फिर वह कनु के पैरों में गिरते हुए बोला, मैं तुम पर अविश्वास करके बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। भानु को उठाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कनु बोला, मैंने माफ किया, पर आगे ध्यान रखना, कभी दूसरों की बातों में ना आना। तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत हो सीधे सीधे मुझसे कहना। जो दूसरों की बातों में आकर बहक जाता है, मित्र पर अविश्वास करने लगता है, वह जीवन में सच्चा मित्र कभी नहीं पा सकता। अब मैं कभी दूसरों के बहकावे में नहीं आऊंगा। अच्छा हुआ जो बात साफ हो गई, अन्यथा तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र से मैं वंचित रह जाता, भानु ने कहा। चलो इसी खुशी में आज मैं बढ़िया सी तुम्हें दावत खिलाता हूं, कहकर कनु जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। वहां से वह रस भरी पकी हुई मीठी मीठी जामुन गिराता रहा। पेड़ के नीचे बैठे भानु ने उन्हें खूब छक्कर खाया। फिर दोनों मित्र खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। सोनी गिलहरी ने देखा कि उसकी दाल नहीं गली तो वह मन महसूस कर रह गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने मित्र पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रता की नींव ही विश्वास पर टिकी होती है। ओके, बाय।